बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे यूट्यूब साथियों, मैं हूं राजा मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं इल्मे जफर चैनल। प्यारे दोस्तों, यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने का दुरुस्त तरीका आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूं। आप इस तरीके से अपनी वीडियो को जब भी यूट्यूब पर अपलोड करते हैं तो इसी तरीके से अपलोड करें, क्योंकि अगर आप यूट्यूब के ऐप से वीडियो को अपलोड कर दें तो काफ़ी ऑप्शन आपको नहीं मिलेंगे, जो कि आपने YT स्टूडियो में जाकर जब अपनी वीडियो को अपलोड करना है तो आपकी वीडियो रैंक भी करेगी और उसका जो प्रॉपर तरीका है वही है। तो इसके लिए आप अगर मोबाइल से ये काम कर रहे हैं तो भी आपने क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है और वहाँ पर YouTube को आपने ओपन करना है। अगर आपके पास PC या लैपटॉप है तो भी आपने क्रोम ब्राउज़र पर जाकर अपनी वीडियो को अपलोड करना है। तो चले सीखते हैं कि किस तरीके से हमने वीडियो को अपलोड करना है। आपने क्रोम ब्राउज़र पर आने के बाद यहाँ पर अगर आपका YouTube चैनल साइन इन नहीं है यहाँ पर YouTube की ID, तो यहाँ पर आपको कोने में साइन इन का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आपने जो भी ID या जो भी चैनल आपने खोलना है उसको इन कर लेना है उस ID से। तो मैंने ऑटोमेटिकली साइन इन किया हुआ है। यहाँ पर मेरे चैनल का आइकन आपको नज़र आ रहा है, आपने यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद नीचे आपको यूट्यूब स्टूडियो YT स्टूडियो का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर दें। पर क्लिक करने के बाद आपके चैनल का डैशबोर्ड आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे ये चैनल का डैशबोर्ड है। यहाँ पर आखिरी वीडियो वो आपको नज़र आएगी जो आपने लास्ट वीडियो अपलोड की है, ये यहाँ पे डैशबोर्ड पर शो होगी। और यहाँ पे आपके एनालिटिक और नीचे आपका CTR सब कुछ और ये सारे ऑप्शन के बारे में पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ कि कॉन्टेंट, प्लेलिस्ट, एनालिटिक, कमेंट, ये सारी चीज़ें। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में YouTube फुल कोर्स प्लेलिस्ट का, YouTube अर्निंग कोर्स का लिंक मौजूद है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ से आपने अपनी वीडियो को अपलोड करना है। यहाँ पर कोने में आपको एरो का जो ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर आप क्लिक करें। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। यहाँ पर सेलेक्ट फाइल, फाइल भी सिलेक्ट कर सकते हैं और ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ, मैं एक वीडियो अपलोड करता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे मेरी एक वीडियो मैंने वैसे ही कादी सी क्रिएट की हुई है, ये वीडियो है। अब इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, जैसे ही सिलेक्ट करूँगा तो ये वीडियो अपलोड होना शुरू हो जाएगी। आपने सेम इसी तरीके से अपनी वीडियो को अपलोड करना है। अब सबसे पहले आपने इसका टाइटल लिखना है। यहाँ पर मैं कहूँ रिलैक्स म्यूज़िक, और यहाँ से आपने पहला जो इंग्लिश का हरकत वो बड़ा डालना है, RELEX। RELEXING रिलैक्सिंग MUSIC म्यूज़िक। अब ये मैंने एक टाइटल लिखा है। इसके बाद मैं अगर कोई टाइटल लिखना चाहता हूँ तो दरमियान में आप ये जो यहाँ से एक लकीर डालनी है ये आपको कीबोर्ड पर मिल जाएगा, ये डंडा सा आपने डाल देना है और दूसरा टाइटल यहाँ पे लिखना है। ठीक है जी, मैं लिख देता हूँ HAPPY हैप्पी MUSIC। चलिए मैं और टाइटल ज़्यादा लंबा नहीं लिखता, मैंने टेम्परेरी ये वीडियो अपलोड करनी है, ये एक टेम्परेरी चैनल मैंने बनाया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने ये टाइटल लिख दिया। आप जो भी लिखना चाहें यहाँ पर टाइटल लिखते हैं और इस तरीके से आपने लिखना है। पहला हर्फ बड़ा डालना है और उसके बाद छोटे हरूफ में पूरा वर्ड मुकम्मल करना है। और यहाँ पे देखें रिलैक्सिंग का R मैंने बड़ा डाला और म्यूज़िक काम, इस तरीके से आपने टाइटल लिखना है। अब ये टाइटल आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद इस टाइटल को आपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल देना है। यहाँ पर मैं इसको डाल देता हूँ। अब यहाँ पर आप इसके मुतालिक कोई डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं कि यहाँ पर इस वीडियो में आप क्या बता रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जो भी हैं, आप खूबसूरत सी एक डिस्क्रिप्शन यानी उसकी तफसील लिखनी है थोड़ी सी आपने। ये लिखने के बाद आपने नीचे आप ये डिस्क्रिप्शन मैंने लिख दी, इसमें कुछ मैंने लिंक डाल दिए, आप अपने फेसबुक पेज ग्रुप का लिंक, किसी और चैनल का लिंक है वो भी यहाँ पे डाल सकते हैं, अपनी प्लेलिस्ट का लिंक भी यहाँ पर डाल सकते हैं। ये करने के बाद आप यहाँ पे नीचे आ जाएं और यहाँ पे आप हैशटैग लगा सकते हैं। हैशटैग क्या है मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ कि यहाँ पर मैं लगाता हूँ हैश, यहाँ पे मैं लगाता हूँ हैश, और यहाँ पे आपने जोड़ कर लिखने हैं हरूफ। मैं लिखता हूँ न्यूज़ ऑफ जंगड, NEWSOFJHANGR जंगड। अब ये हैश टैग है, जब भी आपकी वीडियो प्ले होगी तो ये आप
वहाँ देखने वाले को नज़र आएगा। अगर इस पर कोई क्लिक करेगा तो वो आपके मुकम्मल चैनल पे आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप फेसबुक का कोई लगाते हैं, कोई और टैग यूट्यूब का लगाते हैं, तो उस पर जब भी वो क्लिक करेगा तो और उस लिंक पर वो चला जाएगा, ये लिंक बन जाएगा। यहाँ पर जितने हैशटैग चाहें आप लगा सकते हैं, तो मैंने एक ही लगाया है। अब नीचे ऑप्शन है थंबनेल का। ज़ाहिर सी बात, अगर आपका थंबनेल अच्छा होगा तो आपके वीडियो पर ज़्यादा क्लिक पड़ेंगे। थंबनेल अच्छा होगा तो जो भी उसको देखेगा वो कहेगा यार इसको क्लिक करो और इसको वीडियो को ओपन करते हैं। थंबनेल की वजह से व्यू ज़्यादा आते हैं उस पर। हमने तो कभी झूठ नहीं लिखा, लेकिन फिर उस वीडियो को करने के लिए जो भी आप करें वो आपके अपने मर्ज़ी की बात है। यहाँ पे आपने लगाना है थंबनेल जो भी आपने बना के रखा होगा। मैंने भी यहाँ एक सिंपल सा थंबनेल बना के रखा हुआ है, मैं उसको यहाँ पे अपलोड करता हूँ। यहाँ से मेरा कहाँ पे है जी, यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे मैंने थंबनेल को अपलोड कर दिया, ये मेरी वीडियो पर थंबनेल भी क्रिएट हो गया। नीचे आपने प्लेलिस्ट सेलेक्ट करनी है। मिसाल के तौर पे मैंने ये म्यूज़िक के मुतालिक बनाई है, तो चलें मैं आल बर्ड की एक लिस्ट है यहाँ पर, किसी लिस्ट में मैं इसको डाल देता हूँ। चले जी यहाँ पर ये देखें जी, इसमें नहीं डालता, उर्दू स्टोरी में डालता हूँ। यहाँ पर कोई भी जो आपने लिस्ट बनाई है, प्ले लिस्ट नहीं बनाई तो यहाँ पर आप न्यू प्ले लिस्ट पर लिख कर आप बना सकते हैं। मैं यहाँ पे बनाता हूँ, चलें म्यूज़िक MUSIC म्यूज़िक, मैंने एक प्ले लिस्ट क्रिएट कर दी। अब इसको पब्लिक कर दिया और क्रिएट कर दिया। क्रिएट करने के बाद मैं इस प्ले लिस्ट में उसको शामिल कर देता हूँ, इस वीडियो को, और डन कर देता हूँ। ये करने के बाद आपने नीचे लगाने हैं टैग। ये कुछ टैग ऑटोमेटिकली लगे हुए हैं, मैं इनको काट देता हूँ। यहाँ पे आपने क्या लिखना है, यहाँ पे सबसे पहले वही कॉपी जो की है यहाँ पे लिखते हैं, पेस्ट कर देते हैं जो हमने टाइटल किया था। अब यहाँ पे आप कॉमा डालेंगे तो ये खुद ब खुद एक टैग बन जाएगा। ये देखें यहाँ पे रिलैक्सिंग म्यूज़िक, हैप्पी म्यूज़िक, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ SOUND साउंड, यानी फिर कॉमा डाल देना है। ये टैग आपने कैसे लिखने हैं, जो भी आपके टाइटल होगा उसके मुताबिक आपने लिखने हैं। जब भी कोई बंदा ये टैग इसको सर्च करेगा तो आपकी वीडियो रैंक में आएगी। ये टैग आपने बहुत ही ध्यान से लगाने हैं। अब मैं यहाँ पे और कोई टैग नहीं लगा रहा, वीडियो लंबी हो जाएगी। अब नीचे आप वीडियो लैंग्वेज उर्दू है ऑटोमेटिकली, रिकॉर्डिंग डेट यहाँ डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, मैं डाल देता हूँ 2 जनवरी है, तो यहाँ पर मैंने डाल दिया। ये सारा काम नीचे कैटेगरी आपने चेक करनी है, कैटेगरी क्या है। कैटेगरी मैं यहाँ पे म्यूज़िक कर देता हूँ, ये देखें जी कैटेगरी मैंने चेंज कर दी, क्योंकि मेरी वीडियो म्यूज़िक के मतलब क्या, तो मैंने म्यूज़िक का यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट कर दी। ये सारा काम करने के बाद यहाँ पर और आपने कुछ नहीं करना। आगे आपको एक ऑप्शन मिलेगा वीडियो एलिमेंट का। अगर आपका चैनल मोनिटाइज है तो यहाँ पर मोनिटाइजेशन का ऑप्शन आ जाएगा, उसको आपने ऑन करना है। और उससे आगे आपको एक और ऑप्शन भी नज़र आएगा, उसको भी आपने चेक करके चेक लगा देना है। ये दो ऑप्शन उन लोगों को नज़र आएंगे जो जिनका चैनल मोनिटाइज है। आपका मोनिटाइज नहीं है, नए यूट्यूबर हैं, तो यहाँ पर आप वीडियो एलिमेंट पर क्लिक करें। अब यहाँ पे आपने एंड स्क्रीन लगानी है। अगर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो कोई भी आप यहाँ पर आपकी जब ये वीडियो कोई बंदा प्ले करेगा तो ये वीडियो जब एंड पर जाएगी तो एंड से 5 सेकेंड 4 सेकेंड पहले आपको उस वीडियो पर 4 मज़ीद वीडियो नज़र आती हैं, शो होती हैं। तो यहाँ पर आप इस पर क्लिक करेंगे प्लस के आइकन पर, और यहाँ से आप वीडियो भी लगा सकते हैं, प्लेलिस्ट भी लगा सकते हैं, सब्सक्राइब भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक वीडियो लगाता हूँ। वीडियो लगाने के लिए यहाँ से आपने चूज़ करना है, चूज़ स्पेसिफिक वीडियो। तो यहाँ से मैं लगाता हूँ जी, चलें ये मैं बाइनांस की वीडियो लगा देता हूँ यहाँ पर। इस तरीके से आपने यहाँ पर फिर दोबारा टच करना है। तो ये देखें, आप दूसरी वीडियो भी लगा सकते हैं, मैं नहीं लगाना चाहता, मैं इसको सेव करता हूँ। आप 4 वीडियो यहाँ पर लगा सकते हैं। ये आपका दूसरा ऑप्शन मुकम्मल हो गया। अब आपकी वीडियो अपलोड होने के बाद यहाँ पर यूट्यूब चेक करेगा, चेक करने के बाद यहाँ पर टिक लगेगी, और उसके बाद आपने यहाँ पर विजिबिलिटी पर आना है। इसको आपने पहले से अनलिस्टेड रखना है। जब आप इसको अनलिस्टेड रखेंगे तो अगर आपकी वीडियो में कोई गलती है या कोई ऐसा मसला है तो यहाँ पर आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि आपने अपलोड हो जाएगी, पब्लिश हो जाएगी तो सभी उसको देख लेंगे। लेकिन जब आप इसको चेक करेंगे, आपकी डिटेल आप दोबारा चेक कर सकते हैं इस तरीके से, उसके बाद जाकर आप वीडियो को पब्लिश करें। अभी ये अपलोडिंग 26% हुई है यहाँ पर, तो ये अभी मैं इसको
इतना वीडियो को लंबा नहीं करता, आपको समझ आ गया होगा कि वीडियो एलिमेंट किस तरीके से लगाने हैं। यहाँ पर आई बटन आप लगा सकते हैं, ये एंड स्क्रीन है, ये आई बटन है। इसके बारे में मैं बता देता हूँ कि आई बटन किस तरीके से लगाना है। यहाँ पर आप इसमें वीडियो भी लगा सकते हैं, प्लेलिस्ट भी लगा सकते हैं और चैनल भी लगा सकते हैं। चैनल आप किसी और का भी लगा सकते हैं। यहाँ पर अगर आपने वीडियो में कोई ऐसी बात आपने की है कि जी मैं उसका लिंक ऊपर आई बटन पर दे रहा हूँ, तो आप उसको आई बटन पर लगा सकते हैं वीडियो को यहाँ से। मैं नहीं लगाना चाहता, इसलिए यहाँ से ये सारे ऑप्शन आप पुर करेंगे तो ये मुकम्मल प्रॉपर तरीका है। और उसके बाद आप विजिबिलिटी पर आने के बाद याद रखें, आपने उस वक्त पब्लिश करना है वीडियो को जब यहाँ चेक हो जाए आपकी वीडियो। अगर आपकी वीडियो में कोई प्रॉब्लम होगा तो यहाँ पर आपको शो कर दिया जाएगा कि आपकी वीडियो पर कोई इशू है। अगर इशू नहीं है तो आप विजिबिलिटी पर आएँ और यहाँ से पब्लिक कर क्लिक करें और यहाँ से नीचे आप इसको पब्लिक कर दें वीडियो को। तो ये तरीका है मुकम्मल यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने का। इस तरीके से आप अपनी वीडियो को अपलोड करें तो इंशाल्लाह आपकी वीडियो रैंक करेगी। और दूसरा, आप एक टाइम रखें अपनी वीडियो का। अगर रोज़ाना 6 बजे एक वीडियो आप अपलोड करते हैं तो रोज़ाना 6 बजे अपलोड किया करेंगे। इससे आपकी ऑडियंस जो है वो एक टाइम पर रहेगी और आपको फ़ायदा होगा, आपको कामयाबी होगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह नेगहबान।